नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं Lallantop.com। नोटबंदी तो याद होगी, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। 2 साल से कुछ ज़्यादा का वक्त हुआ जब आपको भी ATM की कतार में लगना पड़ा था। या तो आप ATM की कतार में लगे थे या तो आप बैंकों की लाइन में लगे थे ताकि आप अपने पैसे निकाल सकें, इसलिए क्योंकि 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए थे और अब मार्केट में नए नोट आ गए थे। लेकिन अब कतार में लगने वाली स्थिति एक बार फिर से सामने आने जा रही है और ये होगा मार्च 2019 के बाद। क्यों होगा, हम आपको अपने आर्टिकल के जरिए बताते हैं। है ये कि जब नोटबंदी हुई थी तो कई घंटों की मशक्कत के बाद जब आप लाइन में लगते थे तो महज कुछ ही रुपए निकल पाते थे और ये स्थिति कई महीनों तक बनी थी। हम आपको 2 साल पुरानी ये घटना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्थितियाँ एक बार फिर से ऐसे बनने लगी हैं कि आपको अपने पैसे निकालने के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है। तो क्या फिर से नोटबंदी होने जा रही है? इसका जवाब है नहीं। ऐसी स्थिति नोटबंदी की वजह से नहीं आने जा रही है। इस बार संकट ATM पर है। देश में फिलहाल कुल 2,38,000 ATM काम कर रहे हैं। ATM इंडस्ट्री की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ATM इंडस्ट्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले साल यानी कि मार्च 2019 तक देश के आधे ATM बंद हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बचे हुए ATM के साथ ही बैंकों में भी लंबी लंबी कतार दिखने को मिल सकती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ATM इंडस्ट्री के मुताबिक नोट और ATM को लेकर हाल के दिनों में कई बदलाव हुए हैं और कई तरह के नए नोट आ गए हैं। उनके लिहाज से ATM को अपग्रेड करना पड़ रहा है। नई तकनीक के हिसाब से ATM के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही अपडेट करने की ज़रूरत है और इनको अपडेट करने में करीब 3500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। लेकिन कंपनियाँ इस हालत में नहीं हैं कि वो 3500 करोड़ रुपये खर्च करके ATM को अपग्रेड कर सकें। इसकी वजह यह है कि नोटबंदी से हुए नुकसान से वो अब तक उबर नहीं पाई हैं और दूसरी बात यह है कि अगर बैंक चाहें तो वो ATM को अपने पैसे से अपग्रेड कर सकते हैं। अब भले ही ATM कंपनियां 3500 करोड़ रुपए देने की हालत में नहीं हैं लेकिन अगर बैंक चाहें तो वो 3500 करोड़ रुपए दे करके ATM को बचा सकते हैं। लेकिन दिक्कत बैंकों के साथ भी वही है जो ATM कंपनियों के साथ है। उनको भी खासा नुकसान हुआ है और वो भी 3500 करोड़ रुपए देने की हालत में नहीं है। अब नतीजा ये होगा कि जिन ATM कंपनियों ने बैंकों के साथ टेंडर किया है, करार किया है कि वो देश में ATM चलाएंगे, वो अपने टेंडर रद्द कर सकती हैं, वो अपनी मशीनों को बंद कर सकती हैं और इसकी वजह से आधे से ज़्यादा ATM बंद हो जाएंगे। जब ATM बंद होंगे तो ATM में काम करने वाले लोग, ATM के गार्ड, ATM के अधिकारी सब के सब बेरोज़गार हो जाएंगे और ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए और भी बुरी होगी। इस बारे में क्या होगा, ATM कितने बंद होंगे या क्या वो बच जाएंगे, जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। अगर आप इसका यूट्यूब कट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करिए। शुक्रिया।